आगर थाना प्रभारी रंजीत संगार के नेतृत्व में उनकी टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। टीम ने 14 देशी शराब की पेटियां पुलिस के द्वारा जब्त की गई हैं, जिनकी कुल कीमत 39,840 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी रंजीत संगार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 24 नवंबर की रात को आमला चौराहे पर एक कार वाहन को रोक कर यहां पर तलाशी ली गई, तो इसमें 14 पेटी देशी शराब की पेटियां बरामद हुई और कार चालक यशवंत पिता रघुनाथ सिंह उम्र 20 साल जाति सोंधिया निवासी ग्राम लाडोन थाना नलखेड़ा को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर पता चला कि वो अवैध तरीके से राजस्थान से शराब लेकर आ रहा था। दिनांक 25/11 की रात्रि करीबन 1:30 बजे आमला चौराहे पे मुखबिर सूचना मिली थी कि वहाँ से एक व्यक्ति जो है अवैध शराब लेकर निकलने वाला है, तो वहाँ पर मेरे द्वारा टीम बनाकर भेजी गई थी। टीम द्वारा गाड़ी रोककर संदेही गाड़ी को रोककर चेक किया, जिसमें से 14 पेटी अवैध शराब जब्त हुई है। और साथ ही आरोपी यशवंत पिता रघुनाथ निवासी ग्राम लाडोन थाना नलखेड़ा के रहने वाले, इसको गिरफ्तार किया गया है। गाड़ी जब्त की गई और आरोपी से अवैध शराब लाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभी प्राथमिक तौर पर शराब के संबंध में शराब जो है वो राजस्थान में उत्पादित शराब जब्त हुई है, इसके संबंध में भी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। कहाँ से ला रहा था और कहाँ ले जा रहा था? ये राजस्थान तरफ से लेके आ रहा था और अभी इससे पूछताछ की जा रही है कि ये कहाँ ला रहा था, तो उसके संबंध में। टीम में कौन कौन से लोग शामिल थे? टीम में एक SI सूर्यवंशी है हमारे, और सुनील पटेल है, महेश पाटीदार है, आरक्षक शिवम सोनी, शिवम यादव और आदि, और भी एयरफोर्स